अली अब्बास जफर की फिल्म भारत आज दुनिया भर में रिलीज हो गई है। वहीं रिलीज के पहले फिल्म की स्क्रीनिंग पर फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा था, जहां फिल्म देखने के बाद स्टार्स की अच्छी प्रतिक्रिया आई तो वहीं ऑडियंस भी सलमान खान के काम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इंडिया में फिल्म भारत 4700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है तो वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म को 6000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फैंस के एक्साइटमेंट को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई कर सकती है। ट्रेड एनालिस्ट सुमित कादिल ने बताया कि आज सुबह से ही फिल्म को अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और सुमित के अनुसार आज पहले ही दिन फिल्म भारत 35 से 40 करोड़ की कमाई कर सकती है। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, तब्बू, बॉबी देओल, सनी देओल, संजय लीला भंसाली, महेश मांजरेकर, कृति सनन और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे शिरकत करने पहुंचे। इसके अलावा प्री रिलीज शोज को देखने के बाद लोगों ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की जमकर तारीफ की है। फिल्म को जिस तरह से पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी। एक यूजर ने लिखा है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ दमदार है और क्लाइमेक्स जबरदस्त है। और आपको बता दें, सुल्तान एक्टर के इस फिल्म में इस बार एक्शन से ज्यादा इमोशन देखने को मिलेंगे। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि ये फिल्म रुला देगी, परिवारों को पसंद आएगी, ये आपको भी रुला देगी। और एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि ये फिल्म उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिनका मानना है कि सलमान खान एक्टिंग नहीं कर सकता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ और क्लाइमेक्स सबको पसंद आ रहे हैं और शायद बीच में फिल्म की गति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ के काम की भी खूब तारीफ हो रही है। प्रियंका चोपड़ा के अचानक इस फिल्म में काम न करने की खबर से सलमान और अब्बास दोनों सुन पड़ गए थे। तब कैटरीना ने अपनी हामी भर कर यह विश्वास दिलाया था कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी और इस बात को कैट ने सच साबित कर दिया। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से शादी करने की वजह से भारत में काम करने से मना कर दिया था, जिसे बताने के लिए खुद पीसी भाईजान के घर जाकर अपने दिल की बात बताई थी। वहीं उसके बाद बॉडीगार्ड एक्टर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि पब्लिकली उन्होंने प्रियंका की करतूतों को जग जाहिर कर दिया। वेल, भारत साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर पर आधारित है, जहां एक ऐसे आम इंसान की कहानी को दिखाया गया है जो अपने जीवन में कई तरह के पड़ाव को पार करता है, जिसे सलमान खान ने बखूबी निभाया है।